स्वागत है आपका मेरे चैनल होम लाइब्रेरी बुक रिव्यू हिंदी में, जहां हम एक किताब चुनते हैं और उसको आसानी से समझ आने वाले ग्राफिक्स और एनिमेशंस के साथ प्रस्तुत करते हैं। आज हम रस्किन बॉन्ड की ग्रेट स्टोरीज फॉर चिल्ड्रन का रिव्यू करेंगे। इस किताब में बच्चों के लिए बहुत सी कहानियां हैं। सारी कहानियां बहुत ही एंटरटेनिंग और इमेजिनेटिव है। कहानियां एकदम सिंपल और दिल को छू जाने वाली है और इसकी गुड रीड्स रेटिंग 4.2/5 है। इस बुक में काफी कहानियां हैं, इसलिए हम इस बुक को कुछ पार्ट्स में प्रेजेंट करेंगे। ये पार्ट 1 है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज उसे लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं पहली कहानी, अ स्पेशल ट्री से। ये कहानी एक बच्चे राकेश के बारे में है, जो अपने दादा दादी के साथ मसूरी में रहता था। राकेश के गांव में कोई स्कूल नहीं था, इसलिए उसके माता पिता ने उसे अपने दादा दादी के पास मसूरी भेज दिया था। राकेश ने घर जाते समय चेरीज खरीदी। सारी चेरीज खाने के बाद उसने आखिरी बीज अपने मुंह में ही रखा और अपने दादाजी को बोला कि ये मैं घर जाकर मिट्टी में गाड़ दूंगा। और घर पहुंचते ही उसने वे बीज बगीचे के कोने में जाकर उसे मिट्टी में गाड़ दिया, उम्मीद करते हुए कि एक दिन इस बीज से एक चेरी ट्री बनेगा। दो मौसम निकल गए और राकेश एक सुबह चेरी बीज के पास गया और उसने झुक के देखा कि वहां पे तो दो पत्ते निकल आए हैं और वो तकरीबन 4 इंच लंबे थे। वो रोज सुबह जाके उनको देखता, पर वो 4 इंच से ज्यादा बढ़ ही नहीं रहे थे, इसलिए उसने उसको देखना बंद कर दिया। बरसात का मौसम शुरू हो गया था और चेरी प्लांट 2 फीट ऊंचा हो गया था। एक दिन एक बकरी उनके बगीचे में आई और उस चेरी प्लांट के सारे पत्ते खा गई और अब उस प्लांट में सिर्फ एक स्टेम और उसकी 2 ब्रांचेस ही बची थी। बरसात का मौसम खत्म होते ही उस स्टेम में नए पत्ते आने लगे और जब तक गर्मी का मौसम आया उसमें काफी सारे पत्ते आ गए। इसी बीच राकेश अपने गांव अपने माता पिता से मिलने चला गया। जब वो वापस आया अपने दादा के घर तो उसने देखा कि चेरी ट्री 1 फीट और ऊंचा हो गया है। एक दिन राकेश ने देखा कि पत्तों पे काफी कुछ कीड़े घूम रहे हैं, जैसे कि कैटरपिलर, जो कि पत्तों को खा रहा है। राकेश ने फटाफट से उसको हटा दिया वहां से और कहा बटरफ्लाई बन के वापस आना। फरवरी का महीना आया और राकेश का जन्मदिन। राकेश अब 9 साल का हो गया था और चेरी ट्री उसके जितना ही लंबा हो गया था। एक सुबह दादाजी ने ट्री को देखा और राकेश को जल्दी से बुलाया कि आओ उसमें देखो, इस पौधे में तो एक गुलाबी रंग का फूल निकल आया है और चेरी ट्री अब राकेश से भी लंबा हो गया था।
चेरी ट्री में फूल आने के कारण अब उसमें चिड़िया, बीस सब आने लगी। और एक दिन राकेश ने देखा कि उसमें से छोटी चेरीज भी निकल आई है। जब राकेश ने उसको चखा तो उसे बहुत खट्टी लगी और उसने कहा कि शायद अगले साल तक ये मीठी उगेंगी। एक दिन राकेश चेरी ट्री के पेड़ के नीचे लेटा और वहीं लेटे हुए ऊपर बादल और पहाड़ों को देखते हुए सोचा कि क्या खास है इस चेरी ट्री के बारे में जो ये इसे अपनी ओर आकर्षित करता है। इस ट्री के बीज उसने खुद बोए थे, शायद इसीलिए उसे ये ट्री बहुत पसंद है। पेड़ को देखकर राकेश को इतनी खुशी मिलती है, जो बीज उसने बोया था वो आज एक बहुत बड़ा पेड़ बन गया है। पेड़ को छूकर वो सोचता कि क्या यही भगवान का रूप है। आशा है आपको राकेश की कहानी पसंद आई होगी। चलिए अब चलते हैं दूसरी कहानी पे, द विंड ऑन द हॉन्टेड हिल। पास के एक गांव में तीन बच्चे रहते थे, बिनिया, उषा और सुरेश। वे रोज अपने खेतों में बैठकर खेतों से दूर पहाड़ देखते थे जिसे हॉन्टेड हिल के नाम से जाना जाता था। एक दिन उषा को बाजार जाना था, सुरेश उसके साथ जाना चाहता था पर उषा ने उसे मना कर दिया। सुरेश ने कहा, तुम्हें डर नहीं लगता? तुम अकेली वापस कैसे आओगी? उस हॉन्टेड हिल में तो भूत रहते हैं। तभी उषा ने कहा, तुम फिकर मत करो, मैं रात होने से पहले ही आ जाऊंगी। उषा ने सुरेश और बिनिया को बताया कि उसके दादाजी कहते थे कि 100 साल पहले कुछ ब्रिटिशर्स उस हिल में रहते, पर वहां हमेशा बिजली कड़कती थी इसलिए वहां से चले गए थे। तभी सुरेश ने पूछा, अगर वो वहां से चले गए थे तो क्या अब वहां भूत रहते हैं? क्योंकि दादाजी ने बताया था कि एक बार बहुत तेज वहां आंधी तूफान आया था और काफी सारे घरों में बिजली कड़की थी और उन घरों में सबकी मौत हो गई थी सिवाय एक लड़का और एक लड़की जिसे दादाजी ने वहां रात के अंधेरे में खेलते हुए देखा था। बाजार जाकर उषा ने सारा सामान तो खरीद लिया पर उसे ये पता ही नहीं लगा कि कब काले बादल छा गए, आंधी हवा रुक सी गई और पेड़ हिलना बंद हो गए, पूरे आकाश में अंधेरा। जैसे ही पहली बारिश की बूंदें उस पर पड़ी वे जोर से भागने लगी। रात हो चुकी थी और एकदम से बिजली कड़की। अभी अचानक उषा को याद आया कि इस हिल पे तो कुछ घर है, मैं वहां जाके थोड़ी देर रुक। घबराते हुए उषा अंधेरे में दीवार को छू छू कर एक घर के पास पहुंची। तभी उसका हाथ एक बहुत ही सॉफ्ट किसी चीज को लगा। तभी कुछ रोने की आवाज आई और वो चीज अंधेरे में गायब हो गई। उषा को एक कोना दिखा जहां पे वो चली गई। वे पूरे तरीके से भीग चुकी थी, उसके बालों से पानी गिर रहा था। तभी उसे वो रोने की आवाज फिर सुनाई दी और उसने सोचा कि शायद कोई बिल्ली होगी।
उसको भूतों के बारे में सोचने का तो बिल्कुल टाइम ही नहीं था। बिजली कड़की ही जा बहुत जोर के बिजली कड़की और उस बिजली की रोशनी से उषा ने देखा कि सामने एक फायरप्लेस है और दीवार के पास दो बच्चों की छाया दिख रही है। उन भूतों जैसी छाया को देखकर उसे लगा कि वो बच्चे उसे ही देख रहे हैं और एकदम से फिर अंधेरा छा गया। उसे विश्वास था कि वो दोनों बच्चे भूत ही है। वो एकदम से भागी दीवार के बीचों बीच। जैसे ही वो आधे रास्ते पहुंची, वो एकदम से गिर पड़ी और जोर से चिल्लाई। तभी उसको किसी और के चीखने की भी आवाज आई और फिर कोई लड़का चिल्ला रहा था और उषा ने एकदम से उस आवाज को पहचान लिया। सुरेश, बिन्या, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वो उन दोनों को देखकर चौंकंदा रह गई और तीनों बच्चे एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हुए और जोर जोर कर हंसने, क्योंकि वो एक दूसरे को भूत समझ रहे थे। उन तीनों बच्चों ने चैन की सांस ली। सुरेश और बिन्या उषा को बाजार से लेने आए थे क्योंकि अंधेरा छा चुका था। आंधी चलती रही पर अब वो तीनों एक साथ थे, इसलिए उन्हें कोई डर नहीं लग रहा था। बारिश भी रुक चुकी थी और अब वो तीनों अपने गांव के लिए निकल चुके। कुछ ही दूर पहुंचे उषा ने पीछे मुड़ के उस हॉन्टेड हुल को फिर देखा। उसे लगा वहां से उसे कोई हाथ हिलाकर गुड बाय कह रहा है। क्या कोई उसे गुड बाय कह रहा या फिर वह आंधी की आवाज? उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी भी पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल नोटिफिकेशन भी जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में।